मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई विश एंड प्रे सब लोग बढ़िया हो। आज अभी बजे हैं सुबह के 9:10। अभी मैं जाऊंगी क्लास के लिए। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। एंड आप जो देख पा रहे हो ना, मेरे लिप्स देखो, यहाँ पर अभी ग्लॉजी ग्लॉजी सी लग रहे हैं। मैंने लगाया है थोड़ा सा घी। अगर आप विंटर या समर में अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैपी हो जाते हैं, इवन समर में भी होता है, जैसे मेरा लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, तो मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा सा घी लेके अपनी लिप्स पर लगा लेती हूँ। घी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन का काम करता है, मतलब लिप बाम से भी अच्छा काम करता है घी। अगर आप घी या फिर बटर थोड़ा सा लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर। तो यार, थोड़ा सा ब्यूटी टिप्स भी मैंने दे दिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने के लिए व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बडीज के साथ मिलने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारी जो स्कूल फ्रेंड की ग्रुप है, हम लोग क्लास 5 से एक साथ है, मतलब इट्स बीन 20 ईयर्स के हम लोग एक साथ हैं। सो 2 साल हो गए हैं कोरोना की वजह से हम लोग मीट नहीं कर पाए। सो आज हम लोग मीट करने वाले हैं। एंड हमारी खासियत ये है कि हम लोग पूजा के टाइम पे क्या करते हैं, सब लोग एक तरह की एक जैसी ड्रेस, कोऑर्डिनेटेड ड्रेस पहनते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों से वो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोगों ने मतलब पूजा के टाइम पे हम लोग नहीं कर पाए, तो आज हम लोग मीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं। सो या लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। उसके पहले मेरी क्लास की टाइम हो गई है, मैं क्लास ले लूँ, फिर रेडी भी होना है, निकलना भी है जल्दी जल्दी। तो स्टे ट्यून्ड। आज हम लोग क्राफ्ट करने वाले हैं क्लास में, तो उसी की प्रिपरेशन है टीचिंग लाइफ, यू नो। आज हम लोग होली स्पेशल क्राफ्ट बनाएंगे। सो क्राफ्ट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ भी होली स्पेशल क्राफ्ट बना सकते हो घर पे ही। ओके, सो गाइज, फाइनली मेरी क्लास हुई है, कंप्लीट खत्म हो गई है। एंड ऑनलाइन क्लास की एक अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, आप कुछ भी पहन के बैठ जाओ, किसी को पता भी नहीं चल। ओके, मैं अभी आपको दिखाऊं कि आज हमने क्या क्राफ्ट किया है, होली स्पेशल क्राफ्ट किड्स के लिए। मतलब आपके घर में अगर 5-5.5 साल के बच्चे हैं या बच्चे हैं, तो आप उनको इंगेज रखने के लिए ये वाला क्राफ्ट करवा सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सी, दिस इज द क्राफ्ट वी हैव मेड। ये एक पिचकारी बनाया है हमने, ये मार्बल पेपर से बना है। इसको आप जो शेप्स बच्चों को सिखा सकते हो आप, ये के ये रेक्टेंगुलर शेप, यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप, और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है पिचकारी, यहाँ पर जो गुलाल की प्लेट्स होते हैं वो किया है, एंड थोड़े से जो स्टोन से उसके साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है। सो या वेरी ईजी है, बच्चे ईजिली कर सकते हैं, उसको बहुत मज़ा भी आएगा ये करने में, तो आप इसको ये करवा सकते हो। ऑल राइट फ्रेंड्स, मेरी लंच हो गया है कम्प्लीट। मैं अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब दोपहर को मैं रेस्ट लेती हूँ, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज गया है और मुझे 3 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है। इतनी धूप में अभी सजना संवरना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँ, आज ना हम लोग सब एक तरह की ड्रेस पहनेंगे। मैं बालों को लेकर ना बहुत टेंशन में पड़ जाती हूँ, इतना ज़्यादा मेरा फ्रीजियन कर्ली है, आई डोंट नो इसको मैं क्या करूँ। एनीवे, तो आज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा ड्रेस हम लोग आज पहनने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो ड्रेस की मटेरियल मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ ना, जो जैसा है, आज सब लोग वैसे ही मतलब मटेरियल से बनी हुई ड्रेस पहनेंगे। किसी का लॉन्ग, किसी का शॉर्ट, किसी जिसको जैसा कंफर्टेबल लगा उसने वैसा बनाया है। मैंने प्रिंसेस कट दिया है फ्रंट में, फिर राफल स्लीव्स के साथ थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है फ्रॉक को नी लेंथ तक। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखो, और उसका मटेरियल बहुत ही फंकी है। एंड मैं दिखाती हूँ आपको, रुको रुको रुको, क्या टन, ये है मेरा ड्रेस। मेरी बेड की हालत कैसा हो गया है देखो। एनीवेज, ये है जो ड्रेस, जैसा कि मैं बता रही थी कि इसके मटेरियल बहुत ही फंकी है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढ के, रिसर्च करके, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स के बाद ये वाला सिलेक्ट किया है। ये ब्लैक के ऊपर है और इसमें देखो मेकअप के प्रिंट्स, थोड़ा सा क्वर्की टाइप है, मेकअप के प्रिंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर लिपस्टिक है, ब्लशेज़ है, आई शेडोज है, यू नो गर्ल्स आर मेकअप लवर्स, यू गाइज ऑल नो। सो ये देखो स्वेटर, नेकलाइन, एक रफल स्लीव्स के साथ ये मिला है, थोड़ा सा मतलब जो ड्रेस है ये है। अभी मैं इसको पहनूंगी एंड पेयर अप करूंगी। सो अभी मैं रेडी होना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वरना मैं टाइम में नहीं जा पाऊंगी। फैन ऑफ करके, अभी गर्मी का मौसम है ना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना पसीना होता है। फैन ऑन करूंगी तो गड़गड़ 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 आवाज होगा। एनीवेज, सॉरी,
जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ऑल राइट गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी। एज यू कैन सी, देखो मेरा ड्रेस अभी आउटपुट पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, बट बाद में दूंगी। पर इसके साथ आई थिंक ये इयर रिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आई डोंट नो, पर यही था, मैंने पहन लिया है। मेरे फ्रेंड लोग आ चुके हैं और मैं कब से उन लोगों को बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, पाँच मिनट, पर एक्चुअली मैं 5 मिनट हूँ ना। रेड लिप्स मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना बोल्ड लिप्स चाहिए था, फिर भी लिपस्टिक उल्टा उल्टा हो गया, मुझे थोड़ा सा ठीक करना है इसे। सभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, ओके, देन आपको मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ मिलाती हूँ। All right, guys. मेरे फ्रेंड लोग इतनी ज्यादा शर्मीले हैं। अभी मैं और पायल आई हूँ, देखो इसको, अरे दिखाओ भाई, ये देखो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कोऑर्डिनेटेड ड्रेस। बाकी सब लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है, देखो सब लोग अभी सिर्फ 1, 2, 3, 4 हुआ है, अभी भी कितना बाकी है, 3-4 जून, अभी भी 4 पीपल, 3 जून अभी भी 3 बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे लेक मॉल, फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग प्रियंका देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तुम नहीं तो कुछ नहीं करते हो। लिंक की थोड़ा फेस दिखा, नहीं मैंने मास्क नहीं पहना है। हमारी ड्रेस के बारे में प्रियंका को कुछ बोलना, पीकू क्या बोल रही थी, सवाई बोल रही थी, छतरी का कपड़े से हम लोगों ने ये ड्रेस बनाई, छातर कपड़े दी ड्रेस बनी हम लोग पड़े इस ची, यू आर लुकिंग वेरी गुड। एक घंटा ही हमकी की सुंदर लगती है, मास्क पहने की ना पहने इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, सबने खोल दिया तो हमने भी खोल दिया। हट, अभी हो रहा है हम लोग का फोटो सेशन, खाना खाने से पहले थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेंगे तो अच्छा होगा। और हम लोग देखो टॉयलेट के सामने हम फोटो खींच रहे हैं और साइड में ये लोग देख के मजा ले रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा फोटो वोटो खींच के फिर हम लोग बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो मुझे पोज देने के लिए बुलाया जाए। बोलो देखिए कमी नहीं दोस्तों, मतलब बोला कि है ठीक नहीं लग रहा है, अभी हमारा चुलटा है तो नहीं रहा, अभी की करूं ना, चुलटे के लिए गया तो তোরাই তো বললি কুলে দিতে সবাই ইচ্ছা মাগে যা বাজে লাগে একটা কোলা চিরুনিও তো আনিস ভাই চিকনি এনেছিস ভাই চিকনি এনেছিস দে ভাই দে ভাই দে ভাই দে ভাই দে দেখো গাইস এক বেবি ভি আই হে হামারি গ্রুপ মে ইসকো নাম হে আকু কুকু আকু হাই বলো আকু হাই বলো और बहुत सारे लोग आए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक ये है पायल, ये है ओनू की बेबी पुकू, ये है सुपू, ये है पिंकू, ईश दांत देखा बाबू यदि के शो ना यदि के এতক্ষণ দাঁত দেখছিল তোমার, ইয়ে রিংস এন্ড ইয়ে অনু, এই অনুকে ফসল যে আমি বিজি হয়ে গেছি, লেকিন ও ড্রেস পেন কে নেই আই, जिसको हम लोग मारेंगे पहले, ठीक है, ये ड्राइंग की नहीं आई। अभी भी एक फ्रेंड का आना बाकी है, तब तक हम लोग सोचे कुछ खाया पिया जाए, सो हम लोगों ने ऑर्डर किया है ड्राई चिल चिकन। सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और अभी जो हमारे बीच है, जो मॉडल है हमारे बीच में, शी इज अ सुपर डुपर मेकअप आर्टिस्ट, उनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो। वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी जो मॉडल है इस बार मिस श्रीरामपुर हुई है, यू नो हाई फाई लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, वी आर ऑल्सो सेलिब्रिटी, यू नो। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, अभी बटरिंग बंद कीजिए। ये है दीपू, लुक एट हर ड्रेस, हम लोगों का ड्रेस देखो देखो ये देखो सही में देखो, मतलब जो नॉर्मल कट वाले होते हैं ये तो भूल ही गई, इसको छोड़ ही दो, ये सब देखिए भूल ही गई इसको। अगर आपको आइडिया चाहिए देखो, चश्मा निकालो, चश्मा निकालो, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, देख लो आप लोग सीख लो। हाँ, जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों के साथ हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये है नाजमा, हमारी जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पर सिंगल्स है, यहाँ पर सारे बहुत ही क्या बोलूँ मैं, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई लाइक इट। मेरी फ्रेंड ग्रुप के लिए मुझे सच्ची में गर्व होता है। ये कुछ लोगों ने हमारी
তোমারই ড্রেস কো দেখে কি বলা বলো বলছি যে তোমাদের আজকে কি কিছু আছে তুমি এরকম একই রকম ড্রেস পরেছো কি ব্যাপার দাদাকে বুঝিয়ে দাদা ওনাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমরা সব বাঙালি একসাথে বেরাই এরকম একটা বড় থিং কি করে ऑल राइट गाइस अभी खाना पीना कंप्लीट हो गया है अभी हम लोग कॉर्नर ढूंढ रहे हैं ताकि हम लोग की जो एक ग्रुप पिक है वो हम लोग खींच पाए एंड थोड़ा सा रील्स बना पाए थोड़ा सा टचअप वचअप भी फिर से कर लिया है अभी हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने गाइस रील्स बनाना भी हो गया बहुत शर्म लगा हम लोगों को आज के लिए यही खत्म करते हैं हमारा ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया है पसंद आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए बाय बाय কিরে রিঙ্কি দেখাই গেল না তুই মাথা মাথা ঢুকিয়ে দিলি।